हे गाइस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें। नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन वेयर एनीवन कैन कुक। आई एम आई श्योर आज के इस एपिसोड में मैं बना रही हूँ सॉफ्ट फ्लफी और बहुत ही डिलीशियस सिनेमन रोल, जो विंटर्स में बहुत ही अच्छे लगते हैं। बेस्ट पार्ट, ये एगलेस तो है ही और साथ ही इसे हम बिना ओवन के बनाएंगे। तो जल्दी से आप अपना कुकर या इडली पैन या कोई भी कढ़ाई उठा लीजिए और मेरे साथ सिनेमन रोल बनाइए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सिनेमन रोल को हम बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन, प्रिपेयरिंग द डो। एक ग्लास या बोल में लेंगे गुनगुना या लुकवार्म मिल्क। ऐड करेंगे चीनी और इंस्टेंट ईस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ इंस्टेंट ईस्ट यूज कर रही हूँ, इसलिए ये मिक्स करते ही एक्टिवेट हो गई है। आप देख सकते हैं ये फ्रॉदी हो गई है। वैसे आप इंस्टेंट ईस्ट को डायरेक्ट मैदे में भी मिक्स कर सकते हैं। तो अब एक बोल में डालेंगे मैदा, नमक, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे ईस्ट वाला दूध, पिघला हुआ मक्खन और मिक्स कर लेंगे। हाथों से इसे कंबाइन करेंगे और अब सरफेस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके आटे को अच्छे से 15 मिनट तक नीडिंग करेंगे ताकि डो में ग्लूटेन डेवलप हो जाए और डो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब डो बिल्कुल स्मूथ हो गया है, ये बाउंस बैक हो रहा है, इट मींस ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब सेम बोल में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और डो को डालकर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर इसे डैम्प क्लॉथ से ढक कर किसी भी गर्मी वाली जगह पर रख देंगे जब तक कि डो अपने साइज में डबल हो जाए। विंटर्स है इसीलिए इसे प्रूफिंग में एटलीस्ट 1 आवर लगेगा। स्टेप टू, प्रिपेयरिंग द रोल्स। अब डो को खोलकर चेक करेंगे। डो बहुत ही अच्छे से राइज हो चुका है और बिल्कुल अपने साइज में डबल। अब इसे एक पंच देकर डीगैस करेंगे और इसे फिर से स्मूथ कर लेंगे। सरफेस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और जितना हो सके इसे स्क्वायर में बेलेंगे। मेरी शीट बिल्कुल भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, बट आई नो कि आप इसे बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर में बेलेंगे। एक बोल में डालेंगे कास्टर शुगर या ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं और साथ ही में दालचीनी पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब शीट पर रूम टेम्परेचर बटर को अच्छे से स्प्रेड करेंगे और सिनेमन शुगर को बटर लगी हुई शीट पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, लाइक सो। और अब इसे इस तरह से स्मूथली फोल्ड करते जाएंगे। अब इसे कट करने के लिए पहले इक्वली मार्क कर लेंगे और फिर कट करेंगे। इन रोल्स को निकालकर बेकिंग डिश में रखते जाएंगे और ढक कर फिर से सेकेंड प्रूफिंग के लिए 1/2 आवर के लिए रेस्ट करने रख देंगे। स्टेप 3, प्रीहीट द ओवन। बेक करने के लिए मैंने लिया है इडली कुकर, जिसे आप देख ही सकते हैं, मैंने इसे ओवन ही बना दिया है एक्सपेरिमेंट कर करके। अब इसमें डालेंगे नमक और ढक कर इसे हाई हीट पर 20 मिनट के लिए गैस पर फ्लेम ऑन करके रख देंगे। बेसिकली ये हम अपना ओवन प्रीहीट कर रहे हैं। स्टेप 4, बेकिंग द रोल्स। अब 1/2 आवर के बाद हमारे सिनेमन रोल्स बहुत ही अच्छे से फिर से राइज हो गए हैं और बिना बेक किए हुए भी ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब इन पर लगाएंगे थोड़ा सा दूध और पिघले हुए मक्खन का मिश्रण ताकि इसमें बेक होने के बाद शाइन आ जाए। अब इन सिनेमन रोल्स को हमारे प्रीहीटेड ओवन में ढककर 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। आप देख सकते हैं सिनेमन रोल बहुत ही अच्छे बेक हुए हैं और वो भी बिना इलेक्ट्रिक ओवन के। तो अब इनको निकाल लेंगे
और रूम टेम्परेचर पर आने के लिए रख देंगे। स्टेप 5 प्रिपेयरिंग द ग्लेज। एक बोल में पाउडर चीनी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट भी डालेंगे। जब इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए, बिल्कुल थिक पोरिंग कंसिस्टेंसी, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसे पोर करेंगे हमारे सिनेमन रोल्स पर और इन्हें सर्व करेंगे चाय या कॉफी के साथ। यम। आई होप बिना ओवन के एगलेस सिनेमन रोल्स आप जरूर ट्राई करेंगे और इसके पिक्स मुझे मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर टैग करके जरूर भेजेंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट्स फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।